मुझे किसी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं रही मुझे जो मैंने चाहा वो मुझे मिल जाता था मेरे मन में हमेशा से एक वो चीज़ थी कि ये एक बेबी चैनल है जो हर्ष का चैनल था कि इसी को ही ग्रो करना है दो साल के बाद हर्ष एंड आई सेपरेटेड लाइफ में पहली बार दुनिया तहस नहस हो गई थी मैंने अपने आप को हाउस अरेस्ट कर लिया हर किसी पे अंधा विश्वास नहीं कर लेना चाहिए बिल्कुल नीचे ले आता ना भगवान की अब ना तो यहीं से शुरू कर और जो मैंने अपने आप को मान लिया था कि अब मैं ना जीरो हूं हाय मेरा नाम है प्रतिष्ठा आपने मुझे एक्ट करते हुए यूट्यूब पे देखा होगा तो मैं बस इतना ही बोलने आई हूं आज कि हम सोचते हैं कि हम दुनिया की मदद करते हैं हम सेल्फलेस हो जाते हैं और अपने बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचते हैं दूसरों का ही करते हैं मैं कहूंगी कि अब सेल्फिश होते हैं अब अपने बारे में सोचते हैं ये कहानी है एक लड़की की जिसने बचपन से बॉलीवुड के और स्क्रीन के सामने आने के सपने देखे और मैं स्कूल में भी हमेशा को करिकुलर्स में आ गई थी जोमेटिक्स हो या फिर सिंगिंग हो या फिर कोई भी स्क्रिप्ट लिखनी हो या प्ले लिखना हो तो मैं हमेशा आगे रहती थी डांस हो और एवरेज स्टूडेंट रही हूँ मैं बचपन से बट हमेशा अंदर मन में ये होता था कि कब वो दिन आएगा जब मैं एक बड़ी स्क्रीन के सामने अपने आप को देखूंगी और कब लोग मुझे देखेंगे तो जब मैं कॉलेज में गई मैंने पहले आईपी कॉलेज फॉर वेमेन दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया था और वो भी बहुत ऐसे था कि मुझे एडमिशन नहीं लेना था उस कॉलेज में बट ऑन द स्पॉट लास्ट टाइम बेसिस पे ले लिया था और मेरा बिल्कुल मन था मुझे कुछ एक्टिंग में ही आगे सीखना था एक्टिंग का ही कुछ आगे करना था बट ठीक है मैंने सोचा कि चलो पढ़ाई भी पूरी कर लेते हैं और उसके बाद देख लेंगे बट भगवान की कोई और मर्जी थी तो मैंने दो साल उस कॉलेज को दिए जो कि उस कॉलेज को ना देते हुए मैंने उस कॉलेज की ड्रामेटिक्स सोसाइटी को दिए वो ड्रामेटिक सोसाइटी ढाई बजे शुरू होती थी और शाम के पाँच बजे तक चलती थी कॉलेज ख़त्म होने के बाद लेकिन हम सब लोग जो इतने पैशनेट थे उस चीज़ के लिए वो ड्रामा के लिए हम लिखते थे हम उस कैरेक्टर में बैठते थे हम लोग सुबह सात बजे से ही लग जाते थे वो चीज़ करने में बहुत टाइम ऐसा होता था, था खाना नहीं खाते थे हम इतने मगन हो जाते थे उस चीज़ में कि हमें इतना मज़ा आ रहा था, था कि हमारा पेट भरा ही होता था हमें और कुछ सुध सदबुद्ध नहीं रहती थी दूसरे साल में एडमिट कार्ड जब लेने गई तो मेरी अटेंडेंस थी ही नहीं और मैं बहुत डर गई थी कि अब मैं क्या करूँगी तो मैं बहुत ही काँपते काँपते घर में गई और मैंने पापा को बिठाया और मैंने उनको बोला कि अब नहीं होगा मुझसे और मुझे जर्नलिज़म करना है तो उन्होंने कुछ नहीं बोला उन्होंने सीधी एक बात बोली कि ये जो बुक्स है ना उनको फाड़ के फेंक दे छोड़ दे कोई नहीं हम नई शुरुआत करते हैं चुका था ऐसा कुछ था सेकेंड सेमेस्टर के बीच में मेरे पापा ने कैसे ना कैसे करके मेरा एडमिशन एक कॉलेज में करा दिया था जिम्स में तो जब उस कॉलेज में गई तो उस टाइम पे कॉलेज फेस्ट हुआ करते थे और वहाँ जाने की भी हमें परमिशन नहीं होती थी इतनी बट एक ऐसा फेस्ट था और बाय चांस की बात है कि उस दिन uh, मैं गई मैं वैसे ज्यादा फेस्ट में जाती नहीं थी एंड आई मेट समबडी देयर एंड वहाँ पे जा वहाँ पे ऐसा हुआ कि वहाँ से एक चीज़ की शुरुआत हुई जो आज हम मैं यहाँ पे खड़ी हूँ एंड मुझे नहीं पता था कि इतना अच्छा जेल हो जाए हो जाऊँगी मैं उस, उस इंसान की वाइब से और हमने साथ में बैठ के चिल करना शुरू करा हमने एक दूसरे के इंटरेस्ट जाने और ये पता चला जो एक कॉमन सबसे बड़ा इंटरेस्ट था कि उस इंसान को भी एक्टिंग पसंद थी और मुझे भी एक्टिंग पसंद थी और उस टाइम पे मैंने थिएटर भी शुरू कर दिया था तो मतलब मैं रुकी नहीं मैंने कहा चलो ठीक है जर्नलिज्म करना है तो कॉलेज ज्वाइन कर लिया है अब इसके साथ साथ और कैसे मैं अपनी एक्टिंग के पास जा सकती हूँ और कैसे सीख सकती हूँ इस चीज़ को तो मैंने थिएटर ज्वाइन किया आउट ऑफ कॉलेज ज अस्मिता थिएटर ग्रुप तो वो एक टाइम था जो बेस्ट टाइम था मेरी लाइफ का मैंने उस टाइम पे स्टेज शोज करे इंडियन आइडोट सेंटर में श्री राम सेंटर में बहुत जगह मंडी हाउस में और वो उस तब तब ऐसा लगा मुझे कि हाँ ये चीज़ मेरे लिए बनी है मैं नहीं बनी हूँ बिजनेस करने के लिए या कुछ भी करने के लिए मैं बनी हूँ इसके लिए इसमें मुझे अगर दस रुपये भी मिलेंगे तो मैं चैन की नींद सो जाऊंगी तो जिस इंसान के बारे में मैंने आपको बताया वो हर्ष था और जो हमारा एक कॉमन इंटरेस्ट था वो था एक्टिंग और उस टाइम पे मैं थिएटर कर रही थी और हर्ष ने मुझे आके बताया था कि उसको एक्टिंग पसंद है तो मैंने उसको एक आइडिया दिया कि भाई तुझे करना चाहिए मतलब कॉमेडी को ट्राई करना चाहिए तू फनी है तो उस टाइम पे एक वाइन ऐप आता था जो छः सेकेंड का होता था उसमें छः सेकेंड की फनी वीडियोज डालनी होती थी छः सेकेंड में किसी को हंसाना एक बहुत बड़ी बात है इंस्टाग्राम पर उस टाइम पर पंद्रह सेकेंड की वीडियोज़ डालती थी तो उसने पंद्रह सेकंड की वीडियोस डालनी शुरू करी थी उस टाइम पे हम बैक एंड पे ही मैं बैक एंड पे ही काम कर रही थी मैं ज्यादा आगे नहीं आ रही थी एक वीडियो थी जिसमें गाड़ी चलानी थी और गर्लफ्रेंड का रोल करना था तो अभी कोई और लड़की थी नहीं तो उसने बोला कि यार तू कर लेगी तो मुझे गाड़ी चलानी नहीं आती है मैंने कहा मैं कैसे करूँगी मुझे गाड़ी चलानी भी नहीं आती है कुछ नहीं आता मतलब एक होता है कि तुम तुम्हें पता नहीं कि तुम कर पाओगे नहीं कर पाओगे वो जो फर्स्ट स्टेप होता है ना कि तुम तुम्हारे पैर कापते तुम्हारी बॉडी फ्रीज हो जाती है कि अच्छा अब ये कर, अच्छा ये अब सच्ची में हो रहा है या मैं मैं कर पाऊंगी ठीक है तुम वो वीडियो एंड से वो जर्नी सात आठ साल तक चली एंड उस जर्नी के बीच में बहुत चीजें सीखी बहुत ग्रो किया और एक जिस लेवल से पंद्रह सेकंड के लेवल से शुरू किया था वो एक घंटे के लेवल पे मतलब किया कि तब तक मैंने अपना कोई चैनल नहीं बनाया था क्योंकि मेरे मन में हमेशा से एक वो चीज थी कि ये एक बेबी चैनल है जो हर्ष का चैनल था कि इसी को ही ग्रो करना है और इसी में ही सब ने अपना हंड्रेड परसेंट देना है और आगे बढ़ना है मतलब ये चैनल ग्रो करना चाहिए बाय हुक और बाय क्रुक तो बहुत ऐसे धीरे धीरे हाइप बढ़ने लगी और राहगीरी होती थी एक टाइम पे दिल्ली में सीपी में तो हम ऐसे ही सुबह उठ के सब जाते थे और वहाँ पे गेम्स वगैरह खिलाई जाती थी तो एक टाइम था कि राहगीरी में बहुत लोग आते थे दिल्ली की जितना क्राउड होता था सुबह सुबह बच्चे यूथ मेनली वो आते थे तो हम ऐसे पूरी चार पांच जने हम जितने भी वीडियोस बनाते थे हम ऐसे ही घूम रहे थे तो वहां पे दस पंद्रह लोग पहली बार लाइफ में हमारे आगे आगे खड़े हो गए थे और वो बस ऐसे कह रहे थे कि आपसे बस बात करनी है आपसे मिलना है और आपका काम हमें बहुत अच्छा लगता है और आप जो कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो मतलब ये एक ब्लेसिंग से कम नहीं है ये मैंने कभी हमने क्योंकि कभी उस आउटकम को सोचा ही नहीं था कि ये भी हो सकता है हम सिर्फ अपने काम में लगे हुए थे कि हमें ये करना पसंद है हमें ये पता ही नहीं था कि इतने लोग वो चीज़ से रिलेट कर जाएंगे इतने लोग अपने जैसे अपना मान लेंगे हमें तो इससे बड़ी तो कोई ब्लेसिंग ही नहीं थी तो अप्रिसिएशन धीरे धीरे बढ़ता गया फिर उसके बाद हमने पीछे मुड़ के देखा ही नहीं हमें इतना प्यार दिया आप लोगों ने इतना प्यार दिया कि वो मतलब मैं सच में इस चीज मैं मुझे सब मुझे वर्ड ही नहीं है मेरे पास कि मैं क्या बोलूँ मतलब कभी नहीं सोचा था मैंने कि दिल्ली की एक छोटी सी लड़की जिसने सोचा था कि वो अपने आप को कभी स्क्रीन पे देखेगी या वो एक्टिंग करेगी उसने इतने लोगों का प्यार पाया स्टार्टिंग में एक्चुअली दो लोग थे मैं और हर्ष उसके बाद उसके दो और लोग जुड़े और फिर उसके बाद और लोग जुड़ते गए जुड़ते गए जुड़ते गए आज अच्छी टीम बनी हुई है एंड फिर यूट्यूब का भी एक तरीके से हाइप उस टाइम पे बढ़ती गई 2018 2019 के टाइम पे तो मैंने फिर अपना चैनल बनाया था एंड मैंने वहाँ पे सिंगिंग uh, वीडियोस डालने शुरू करी थी पहले बट फिर मैंने एक साल बाद वो सिंगिंग सिंगिंग वीडियोस छोड़ दी थी क्योंकि वहाँ पे कवर सॉन्ग्स में कॉपीराइट लगने लग गया था तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ तो मैंने कहा तो कोई नहीं हम एक चैनल पर काम कर रहे हैं वहीं पर करते रहेंगे फिर उसके बाद धीरे धीरे मुझे आइडिया आया कि कोई गर्ल ओरिएंटेड वीडियोस नहीं बना रहा है तो चलो गर्ल ओरिएंटेड वीडियोस बनाते हैं तो मैंने वो करना शुरू करा बट मुझे ऐसा लगता है जो चीज़ मैंने लाइफ से सीखी है और मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं इसको मैं बिल्कुल भी बुरा नहीं मानती कि कहीं ना कहीं तुम्हें अपने बारे में भी सोचना चाहिए थोड़ा सा सेल्फिश हो जाना चाहिए मैंने अपनी लाइफ में उस फेज तक सिर्फ दिया कि ठीक है हेल्प करनी है या मैं खड़ी हूँ और मैंने एक्टिंग करी और मैंने एक चैनल को बस ये दिल से मेरी दुआ होती थी कि बस वीडियो चल जाएगी कि चैनल इतना पहुँच जाए यहाँ पहुँच जाए बस हम जितनी मेहनत कर रहे हैं उतना हमें फल मिल जाए बस और एक uh, दो साल के बाद हर्षन आई सेपरेटेड एंड दैट वाज नॉट अ म्यूचुअल सेपरेशन बट इट हैपन्ड इट वॉज ड्रास्टिक इट वॉज अ बिग ड्रास्टिक चेंज इन माई लाइफ एंड आई हैव नो शेम इन टॉकिंग अबाउट इट एंड आई हैव नो रिग्रेट्सोवन माई बेस्ट टू अ चैनल इफ आई हैिवन माई बेस्ट टू एक्टिंग आई वॉज जस्ट बींग रिस्पेक्टफुल एंड ऑनेस्ट फॉर एक्टिंग एंड आई वॉज जस्ट बींग ऑनेस्ट विद द पीपल दैट आई वॉज वर्किंग विद मुझे समझ ही नहीं आया था कि ये क्या हुआ मेरे लिए ये ऐसा था कि मेरे लिए ये आ, हैंडल नहीं हो पाया क्योंकि अगर आप मेरा चाइल्ड देखोगे तो मैं पैम्पर्ड रही हूं और मेरी लाइफ मेरा चाइल्ड बहुत क्रीम की तरह गया मुझे किसी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं रही मुझे जो मैंने चाहा वो मुझे मिल जाता था और इसमें ये भी नहीं है कि मैं ज़िद्दी बन गई ऐसा कुछ नहीं मैं अपने ग्राउंड पे रही हमेशा बट जब ये सेपरेशन हुआ उसके बाद वो ग्राउंड ही नहीं रहा मुझे समझ ही नहीं आया कि ये क्या हो गया और मुझे अपने आप को संभालने संभालने में दो साल लग गए दो तीन लोग थे जो मेरे साथ खड़े रहे थे जैसे कीर्ति थी जिस जब ये हुआ वो आके बस बैठ गई थी मेरे साथ और अः So, जब ये हुआ एक ये कहते कि एक इंसान को खोने से ज्यादा दुख ये था कि जो सात आठ लोग और थे जिनके साथ हम काम कर रहे थे जो एक टीम कम और सो so, एक मतलब एक इंसान को खोने से ज्यादा दुख मुझे उन सात आठ लोगों का है जो टीम से ज्यादा मेरा परिवार थे क्योंकि हम जब आप वीडियोस बनाते हो और जब आपको पाँच छः साल हो जाते हैं आप साथ में काम करते हो तो आप कहीं ना कहीं इमोशनल कनेक्ट बना लेते हो और मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल और सेंसिटिव रही हूँ हमेशा से तो मैं बहुत जल्दी अटैच हो जाती हूँ और बहुत धोखे भी खा लेती हूँ बट ये बहुत बड़ी लर्निंग थी मेरे लिए जब ये सब हुआ कि हर किसी पे अंधा विश्वास नहीं कर लेना चाहिए और अपनी जिंदगी को अपने हाथ में रख के चलना चाहिए जब आप अपनी जिंदगी की बागडोर किसी और के हाथ में दे दोगे तो आप तो ड्राइवर रहे नहीं ना अपनी गाड़ी के तो वो कोई और बंदा ड्राइव करके कहीं भी ले जा सकता है आपको आप अगर पैसेंजर सीट पे आ गए तो आपकी जिंदगी आपके हाथ में नहीं रही और ये मुझे इन मतलब बहुत टाइम ऐसा बाद रियलाइज हुआ कि ये जो सब लोग थे जिनसे हम क्योंकि हम ना प्यार में दोस्ती में जो वो सात आठ जने थे मैंने कहीं ना कहीं हम सबके बीच में प्यार था वो परिवार था और आप प्यार में ना सब कुछ करते हो आप सुख दुख नर्क स्वर्ग सब देखते हो और आप बस खड़े होते हो एक दूसरे के लिए बट जब ये हुआ तो दो तीन लोग उन सात आठ लोग से मेरे मतलब ऐसा था कि उन्होंने बोला कि हाँ हम हैं हम हैं आप चिंता मत करो हम हैं बट असल में कोई नहीं होता है और यही सबसे बड़ी सच्चाई है इस दुनिया की कि ये भ्रम है कि आपके साथ कोई है आपके साथ आप ही हो और आप ही रहोगे आप ही अकेले आए थे और आप ही अकेले जाओगे यही सबसे बड़ी सच्चाई है और यही अल्टीमेट ट्रूथ है जो मुझे 25 साल की उम्र में समझ आया तो मुझे धीरे धीरे करके एक एक करके सबकी सच्चाई सामने आने लगी और मैं बस वो पीती गई पीती गई कि अच्छा ठीक है अच्छा ये भी ये भी ये भी जो मेरे अपने भी मतलब एक दो दोस्त जो थे मैं बस बैठती थी मतलब छः महीने तो ऐसा होता था कि बस मैं बैठती थी और बस मैं रोती थी मैं बस निकालती थी तो फिर उस टाइम पे मैंने सोच लिया था कि लाइफ में थोड़ा सा सेल्फिश होना भी ज़रूरी है अपने आप को रखना भी जरूरी है फॉर अ बिट फॉर असेंट बट प्लीज अपने बारे में नहीं सोच पाते हैं जो लोग सेल्फ लव नहीं कर पाते हैं ये बात उनके लिए है कि जितना अपने अंदर आंख बंद करके बैठोगे उतना ही तुम्हें और अपने बारे में पता चलेगा तो वो एक टाइम था जब मैंने सोचा था कि अब मैं अपने लिए जीऊंगी और मुझे अब जो मैं करना चाहती हूँ ना मैं अपने बलबूते पे करूंगी मैं खुद से करूंगी मेरे साथ कोई नहीं है तो भगवान तो है ना मेरे साथ गलत हो ही नहीं सकता जो जो होगा ना अच्छा ही होगा मेरे साथ तो उसी एक साल में जिस साल में स्टार्टिंग में ही हुआ था मैं एंड ऑफ दैट ईयर मैं बॉम्बे शिफ्ट हो गई थी नया शहर नए लोग एंड वो जर्नी भी एक बहुत ही अलग जर्नी है शायद ये ज्यादा लोगों को नहीं पता है बहुत ही क्लोज लोगों को पता है ये चीजें कि बॉम्बे शिफ्ट होने के बाद मैं बहुत ही कॉन्फिडेंस से ऐसे घुसी थी बॉम्बे में कि पैर रखा था मैंने कि अब तो लाइफ चेंज और अब सब अच्छा होगा बट मैं बॉम्बे गई एंड फॉर द फर्स्ट नाइन मंथ्स पहले के नौ महीने मैंने अपने आप को हाउस अरेस्ट कर लिया मुझे मैं बचपन से बहुत ही एक्सट्रोवर्ट रही थी मैंने यूट्यूब पे एक्टिंग करी है मैं एक्टर बनना चाहती थी और मैंने अपने आपको हाउस अरेस्ट कर लिया मुझे सोशल एंगजाइटी होने लग गई थी मैं नए लोगों से मिल ही नहीं पाती थी मतलब अगर कोई मेरे मेरे से आके बात भी करता तो मैं कॉँप जाती थी और मैं मुझे समझ नहीं आता था कि क्या बोलूं ऐसा हो गया था और मैं खुद से ये सवाल करी थी कि तू तेर ऐसा क्यों हो रहा है तू क्यों तू क्यों नहीं बात कर पा रही है तू तो एक्सट्रोवर्ट होती थी, थी यार तू ऐसा तू तू क्यों फील कर रही है तो धीरे धीरे करके वो नौ महीने जो मैंने काटे हैं वो वो एक अलग इंट्रोस्पेक्शन जर्नी थी मेरी कि क्या बॉम्बे आना सही था तो मैंने बहुत आ, मतलब ऐसा अपने आप को जिसे कहते हैं ना कि झंझोड़ के भगवान ने बिल्कुल नीचे लिया था ना भगवान की अब ना तू तो यहीं से शुरू कर और जो मैंने अपने आप को मान लिया था कि अब मैं ना जीरो हूँ और मुझे जीरो से शुरू करना है अब मुझे नहीं सोचना है कि मैंने पहले काम कुछ किया है नहीं किया है मेरी क्या जर्नी रही है वो सब छोड़ अब तेरे को प्रतिष्ठा जीरो से शुरू करना है अब तो बिल्कुल नील हो चुकी है और वो एक जो नौ महीने थे उस नौ महीने के एंड में आते आते मुझे ये रियलाइज हुआ कि जो तू सोच रही थी कि तेरे साथ इतना बुरा हुआ वो बुरा तो कुछ भी नहीं हुआ जो तू आज है वो तो कभी हो ही नहीं पाती अगर वो ना हुआ होता राइट नाउ एट द प्रेजेंट मोमेंट ऑल्सो आई विल मैं ऐसा नहीं बोलूंगी कि मैं हील हो चुकी हूँ क्योंकि तो वो एक हीलिंग जर्नी है वो तुम्हारे एंड टाइम तक रहेगी तुम कभी कोई इंसान को भुला नहीं सकते हो तुम कुछ नहीं कर सकते हो वो एक मेमोरी है और वो रहती है तो ये था कि आप एक इंसान जो है आप जिसके साथ रहे हो या कोई भी दोस्त भी हो जिसके साथ आपका कभी कोई अटैचमेंट था तुम भुला किसी को भी नहीं सकते हो वो मेमोरीज रहेंगी बट दे स्टार्ट टू फेड आफ्टर सम टाइम बट दे आर स्टिल देयर तो हीलिंग जर्नी हमेशा चलती रहती है आई एम स्टिल हीलिंग बट उस नौ महीने के बाद बहुत अच्छे तरीके से मुझे रियलाइज हो गया था कि इससे बड़ी ब्लेसिंग मेरी लाइफ में नहीं हो सकती थी इससे ये कहते ना कि न्यू बिगनिंग और एक नया पड़ाव था और जब आपको एक एनर्जी मिलती है अपने अंदर से कि अब मैं इतनी स्ट्रांग हो चुकी थी हो चुकी हूँ कि अब कुछ भी आ जाएगा मेरी लाइफ में तो मैं हिलने वाली नहीं हूं और शायद यही मुझे बनना था मुझे मतलब ऐसा कहते हैं मैंने ऐसा पढ़ा है कि जो आपको बनना है उसकी जो जर्नी है उसको बनने के लिए आपको जैस जिस रस्ते से गुजरना पड़ेगा आपको वो गुजरना पड़ेगा उसके लिए आपको प्रिपेयर करा जाता है जब तक आप वहाँ पहुंचो सो बॉम्बे जाने के बाद जो एक जिसे कहते हैं ना कि तुम बचपन से जो चीज करते आ रहे हो जो YouTube था वो कहीं ना कहीं मेरा जो नौ महीने का और इस पूरे ही हीलिंग पीरियड में वो छूट गया था कहीं ना कहीं दो साल का स्ट्रेच कहीं ना कहीं ऑन एंड ऑफ ऑन एंड ऑफ आ गया था और मेरी ऑडियंस मैं मैं तुम लोगों के लिए जान दे सकती हूँ मैं सच बता रही हूँ मैं हसीना चीर के देख लो बट आई एम सो ग्रेटफुल जो लोग मेरे साथ स्टिक रहे जिन्होंने मेरी चीज समझी मेरे मेरे हाव भाव मेरे मेरी लाइफ को समझा कि अभी इसका ये फेज चल रहा है ये अभी ठीक नहीं है तो उन्होंने तब भी साथ दिया और मैंने ये कमाया है तो आज की डेट में अब से अब वापस से अब मैंने यूट्यूब शुरू करा है मैंने अपना एक ब्लॉग चैनल बनाया है गाइस क्योंकि कभी कोई ऐसा समय नहीं होता जहाँ से तुम शुरुआत नहीं कर सकते तो ये भी मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगी कि प्लीज इफ यू गेट एनी आइडिया इन योर माइंड अगर आपको लगता है ना कि मुझे ये करना चाहिए तो पहला थॉट अगर ये है ना कि हाँ कर ले तो कर लो मत अपने आप में संकोच करो कि क्या होगा कैसे होगा नहीं वो पैर उठाओ और रखो क्योंकि उस एक पैर के उठाने से ना तुम्हें नहीं पता तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है तो ये अपनी लाइफ में सबसे बड़ी चीज मैंने सीखी है और दूसरी चीज मैंने ये भी सीखी है जो एक्चुअली मैंने बहुत ही रिसेंटली सीखी है अपने पूरे जर्नी को लेकर कि लाइफ में कितना ही कुछ भी हो जाए पहाड़ टूट जाए या कुछ भी हो जाए अगर तुम अपने काम में लगे रहोगे अगर तुम वो कर्म भूमि नहीं छोड़ोगे ना तो तुम्हारा दिमाग तुम्हारे साथ इतना नहीं खेलेगा जिसको आज हम स्ट्रेस कहते हैं जिसको आज हम डिप्रेशन कहते हैं और आई हैव बिन थ्रू इट That's why कुछ भी है ठीक है लेकिन कर्म करना मत छोड़ना तब भी काम करते रहना मन नहीं करेगा काम करने का लेकिन जितना तुम उस चीज में अपने आप को बिजी रखोगे और जितना काम करते चलोगे उतना ही और आगे बढ़ते चलोगे तुम्हें तो पता भी नहीं चलेगा कि कब वो स्ट्रेस और कब वो थॉट तुम्हारे दिमाग से चला गया तो अब मैंने वापस से व्लॉग्स और कॉमेडी स्केचेस डालने शुरू करे एंड बॉम्बे इज ऑल्सो गुड आई एम देर आर थिंग्स दैट आर हैपनिंग इन बॉम्बे टू बट आई कान डिस्कलोज देम सो या आप लोग मुझे बहुत ही जल्द देखोगे तो जाते जाते बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि सेल्फिश हो जाओ और उस इंसान को खुश करने की कोशिश करो जिसको सुबह उठ के तुम शीशे में देखते हो बस इसी के साथ मैं जोश स्टॉक को थैंक यू कहना चाहती हूँ आई एम ग्रेटफुल दैट आई एम हियर क्योंकि आप जोश टॉक्स देख रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि आप अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं और वो सारे स्किल्स सीखना चाहते हैं जिनसे आप अपने सपने पूरे कर सकें और आपके इन्हीं सपनों को पूरा करने में मदद करता है जो स्टॉक्स का इंग्लिश स्पीकिंग ऐप जिसमें हम आपकी मदद करते हैं उन सारे स्किल्स को सीखने में जिनसे आप बाकियों से आगे बढ़ सकते हैं चाहे इंग्लिश बोलने में कॉन्फिडेंस और फ्लुएंसी की कमी हो या पर्सनालिटी डेवलप करने में परेशानी हो रही है इस सब के लिए आपको वन स्टॉप सोल्यूशन हम देना चाहते हैं और इसका नाम है जोश टॉक्स इंग्लिश स्पीकिंग ऐप तो इंतजार किस बात का है आज ही डाउनलोड कीजिए जोश टॉक्स इंग्लिश स्पीकिंग ऐप और अपनी सक्सेस की तरफ एक नया कदम बढ़ाइए क्लिक द लिंक नाउ